हेलो यू जी, पहले जब आपके पास हम आए, आपने कुछ हटके बेड्स हमें दिखाए। हाँ जी मार्केट से हटके थे आपके जो डिज़ाइन, और जो बिल्कुल प्राइस थे काफ़ी कम थे, मतलब इकोनॉमिकल रेंज के प्राइस थे सारे, वो बेड्स थे सॉरी। तो आज क्या दिखा रहे हैं आप? आसर हम सोफ़ाज़ कवर कराएंगे अपनी वीडियो में, और वो भी कुछ कोशिश करेंगे कुछ डिफरेंट हो बाज़ार से, और कलर कॉम्बिनेशन हो गया, उनकी फिनिशिंग हो गई और सब चीज़ें, रेट्स भी अच्छे देंगे उनको एज़ पर क्वालिटी। अच्छा ठीक है, तो आज भी कुछ अलग दिखाएंगे, और जो प्राइस बता रहे हैं जो क्वालिटी के हिसाब से कम रहने वाले मार्केट से, जी है ना? तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। क्या दिखा रहे सबसे पहले? सर, सबसे पहले एक ये सोफ़ा दिखाते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर जी, बताइए। ये एक बड़ा अच्छा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा अच्छा जी। बताइए इसके बारे ये में। 322 सोफ़ा है, इसके अंदर डबल कलर फैब्रिक लगा हुआ है ठीक है। और फैब्रिक पे स्टिचिंग हो रखी है सर इसके अंदर ये, और इसके आप वर्कमैनशिप आप देख ही सकते हैं, मतलब देख रहे, कितना अच्छा बोल रहा है, पफ आ रहा है मुंह इसके से बोल अंदर, रहा है, मुंह और से बोल इसके रहा अंदर है। भी क्या पफ आ रहा है, और ये ठीक। गोल्डन एसेस लगी हुई है इसके अंदर। इसका जो फ्रेम है सर 3x1.5 की लकड़ी में है, अच्छा, 3.5 का है 3x1.5 का फ्रेम है, और मार्केट में, 2.5 मतलब चलता है। मैं दिखा सकता हूँ आपको ना, मतलब अपने व्यूअर्स जब भी आएंगे उनको फ्रेम देखना है इसका, 3x1.5 का फ्रेम है, प्लस इसके अंदर जो साइड की जो कवरिंग है वो 18mm प्लाई से हो रखी है, ठीक है, 18mm प्लाई से हो एटीन रखी एम है एम जी। मार्केट में 12 mm चलता है, जो 12 mm या 15 mm चलता है, आप बता रहे हैं एटीन हाँ एम जी, एम 18mm प्लाई से हो रखी है, और नॉन शेडेड फैब्रिक लगा हुआ है इसका, इसके अच्छा अंदर काफ़ी अच्छा, मतलब हैवी फ्रेम है इसका। मेन केस की वर्कमैनशिप जो इसकी राउंड्स वगैरह सर्कल्स वगैरह ये आपको मतलब अच्छे बड़े स्टोर्स पर ही देखने को मिलते हैं जनरली, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमने ये इसको बड़े कॉम्पिटेटिव रेंज के अंदर निकाला है। अच्छा, प्राइस की बात करेंगे पर अभी नहीं करेंगे, पहले कुछ और दिखाएंगे हाँ जी हाँ जी इसके बारे में थोड़ा। जो आपने जैसे बताया कि आप 3.5 का फ्रेम इस्तेमाल हाँ जी सर, करें, तो वुडन मार्केट इसके में, अंदर 3x1.5 का फ्रेम है, और वुडन इसके सागवान के लेग्स हैं। अच्छा सागवान के लेग्स है, क्योंकि मार्केट में सब क्या करते हैं कि 1.5 का फ्रेम होता है, जिनके काफ़ी कम प्राइस होता है वो 1.5 नहीं लगाते हैं। सर, हमारे भी कम प्राइस वाले में 1.5 ही है, अच्छा हम क्यों झूठ 1.5 है आप, बोले। चलो ठीक है, हाँ जी ये तो 2.5 चलता है, और आप बता रहे हैं इसमें 3.5 है हाँ जी जो सबसे ऊपर आता है अभी हाँ तक। जी हाँ जी इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी मेरे को, ये इसका ये बॉर्डर, और मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद है ये पाइपिंग वर्क जो आपने कर रखा है, क्योंकि बहुत कम लोग करते हैं, जी और ये सोफ़ा मुंह से बोल रहा है, फिनिशिंग बोल रही है इसकी मुंह से। इसकी प्राइस की बात करें, उससे पहले कुछ और दिखाते हैं। एक सोफ़ा ये पीछे देखा मैंने, जो हर स्टोर पर दिखता है, जी सर, इसके बारे में बात करते हैं। सर ये अपना एल शेप सोफ़ा है, स्टैंडर्ड साइज में है, 9x7 में, ठीक है, पीयू फॉर्म लगी हुई है इसके अंदर सेटिंग में। अच्छा पीयू फॉर्म, हाँ ठीक पीयू है। लगी हुई है इसके अंदर, और इसकी पफी भी सेम जैसे आपने लास्ट सोफ़ा में देखा, आजकल थोड़ा स्ट्राइप्स वाला डिज़ाइन इन है, तो इसलिए इसकी पफी भी स्ट्राइप्स लगी हुई हैं, स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, और इसके बैक पे भी जो आप देखोगे ना डिज़ाइन, ये मतलब अच्छा काफ़ी अच्छा डिसेंट डिज़ाइन है, ये ठीक है। लाइनिंग वगैरह सब हाँ, चीज़ें आप जो आर्म देख रहे पर भी हो, इसके जो वो और इसके स्टिचिंग वर्क आर्म्स है, भी हमने स्लीक ही रखे हुए, ना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं रखे हुए, जो मतलब आजकल क्योंकि मोस्टली सर हर इंटीरियर में लाइट फ्रेम ही ज़्यादा चल रहा है। अच्छा आर्म्स थोड़े पतले ही चल रहे हाँ हैं, जी हाँ जी, हैवी बल्की और वाला आप नहीं है। इसमें गोल्डन लेग्स लगे हुए हैं, पेंसिल लेग्स बोलते हैं सर इनको अच्छा जी, सर, पेंसिल कहते हैं, किसी ने मेरे को इसका बताया था, मैं एक फैक्ट्री में था, उन्होंने कहा ये कुल्फी लेग, कुल्फी सबके बोला। सबके अलग अलग वर्ड्स हैं हाँ सर, सबके हाँ अलग अलग नाम ठीक है, है। जिस जैसे पहचान हाँ लें हाँ हम। स्टिचिंग वर्क आर्म पर भी है, हाँ बैक जी पर भी है, और सीट पर भी है साथ ही साथ, हाँ जी बॉर्डर पे सर भी पूरा वन पीस ही आ रहा है, जी कोई अलग सर से बॉर्डर नहीं दिखा जी रखी जी इसकी। और इसमें तो स्वेट फैब्रिक लगा हुआ है सर, फैब्रिक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी हुई है। अच्छा, फैब्रिक हाँ की जी क्वालिटी की बात करें तो कितने मीटर वाला फैब्रिक यूज़ सर, करते इसमें हैं आप? 250 मीटर का लगाते तो हैं, 250 में, जो और जो, हमें परचेज आती है इन हाउस अच्छा तो मार्केट में क्या आता है? सर। मार्केट का तो कुछ नहीं कह सकते, कोई वही 400 भी बता सकता है, कोई 500 भी बता सकता अच्छा, है, मतलब और उसमें क्या आता है नॉन तो साढ़े ट्रेडिंग? तीन सौ मीटर तक, 300 से 350 के बीच में आता है जो हमें परचेज आती है, ठीक है। उस जेनवन काम है। ये सारी आप फाइल्स देख सकते हो, सब फैब्रिक की फाइल ही हैं। पहले ये कुछ टाइम पहले एक्सक्लूसिव था ये डिज़ाइन, ठीक है, अब ये कॉमन हो चुका है, हर स्टोर पे अब देखने को सर मिलता इसकी है। फिनिशिंग बिकती है, हाँ फिनिशिंग फिनिशिंग मेन मेन बात आती है, फिनिशिंग फिनिशिंग और क्वालिटी। क्वालिटी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं फिनिशिंग दिखाऊँ क्वालिटी के साथ। वर्कमैनशिप इसकी मतलब काफ़ी मतलब अच्छी है हाँ, रेंज के तो हिसाब से। अभी आप क्या दे रहे हैं प्राइस है? सर ये 5500 रुपीज़ पर सीट है। ये 5500 पर सीट, हाँ जी मतलब अब मैं बोलूँगा कि ये वाला सोफ़ा हाँ जी हाँ जी, मेरे चैनल का सबसे कम प्राइस में अब तक है, और सीट पे आपने बताया इसके आपकी पीयू पीयू फॉर्म फॉर्म लगे है हैं, सर, उसको ठीक है। आप चेंज करके फॉर्म दूसरी भी चेंज करा सकते हो, स्प्रिंगवेल हम लगाते हैं दूसरी, अच्छा, बाकी इसमें पीयू लगाने का रीज़न ये है, एक तो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है ज़्यादा, सॉफ्ट हो जाता है और थोड़ा काफ़ी, बैठने में फील आती है, एक मतलब बेटर दिखता है रेंज ठीक से है ज़्यादा, थोड़ा लग्जरी फील आती है ठीक है। जी। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप पीयू लगा रखी है इसमें, और इसके अलावा आप लगाते हैं स्प्रिंग वेल, स्प्रिंग वेल ठीक है, नहीं तो मार्केट में हर कोई फेदर फोम बोलता है, आप स्प्रिंग वेल लगा सर रहे हैं। जो लगाते हैं वही बताते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, हाँ वही बताना चाहिए, और स्प्रिंग वेल भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, जाना माना ब्रांड स्लीपर है सर, ये। स्प्रिंग वेल स्लीपर वालों का ही पार्ट है स्प्रिंग वेल भी अच्छा, उनका जी, ही है, उनका ये एक मुझे पार्ट पहली है बार पता लगा, जी। नहीं तो मुझे इतना पता था कि शीला ग्रुप का आपका नहीं स्लीपर आता है, स्लीप फेदर वेल फोम फैदर मिस्टेक फॉर्म आता और स्प्रिंग वेल भी उन्हीं का एक पार्ट है है। चलो बहुत जी बढ़िया, आपने अच्छी चीज़ बताई है। जी। तो इसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप? ये 5500 रुपये पर सीट बताया पचपन सौ आपने, रुपये पर सीट है आप सर क्या ये दिखा रहे हैं? एक। सर इसके बाद
एक ये एल शेप में सोफा है सर, ठीक है। इसका ये सर कॉर्नर सेट है, जो लास्ट सोफा देखा था वो एल शेप देखा था हमने, ये कॉर्नर सोफा है। इसके अंदर एक चेयर एक्स्ट्रा आती है सर, ये चेयर आप इधर से रिमूव करके इधर लगा सकते हो, इनके हिसाब की ये वॉल छोटी है और ये वॉल बड़ी है, तो कैसे भी आप फ्री साइज है ये, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट माना, ये भी कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा टिल्ट करके दिखाता हूँ, ये पार्ट अपना बाहर आ जाता है, ठीक है, लूज है, कोई फिक्स नहीं है ये। हाँ जी, हाँ जी, सेक्शनल सोफा हो गया हमारे, है ना जी सर, ठीक है। और इसका जो साइज आता है सर, ये 9.5x7.5 आता है, ठीक है, ठीक है सर। रोज गोल्ड इसके अंदर SS की लेग्स लगी हुई है, बड़ी स्मार्ट इसके अंदर ये फ्रिल बनी हुई है सर, आर्म्स में फ्रिल वर्क, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। और बैक में पूरा चेस्टर बन रखा है, और चेस्टर भी आप देखो काफी अच्छा चेस्टर है, खूब डेप्थ है इसकी, ठीक है, आर्म्स पे भी और चेस्ट पे भी। और यहाँ पर रोज गोल्ड SS लगी हुई है सर, ठीक है, बाकी स्वेट फैब्रिक लगा हुआ है, काफी अच्छा मतलब सोफा है, डिमांडिंग सोफा सर, ये भी कुशन्स पे काफी अच्छा आपने, हाँ कुशन पे सर ये एक छोटा सा एक ऐड कर रखा है एसेसरी डालकर इसको, तो स्मार्ट लगने के लिए। हाँ जी, हाँ जी जी। इवन जो इसका कॉर्नर भी है ना, आप देखो जनरली सोफा में एल शेप जो होता है उसमें सीट वेस्ट जाती है, इसके अंदर सीट वेस्ट नहीं होगी, बैठ नहीं पाता बंदा वहाँ पे, इसमें आप आराम से बैठ सकते हो, इसमें आराम से बंदा बैठ जाएगा, ठीक है। तो 9 feet by 7 feet आप बता रहे हैं इसका डाइमेंशंस, जो अभी ये रखा है, हाँ जी, वो तो अपनी जगह के हिसाब से कस्टमाइज करवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्पेस होगा उस हिसाब से बनवा सकते हैं, बिल्कुल सर। तो इस पे आपकी प्यू फॉर्म थी, तो इस पे कौन सी फॉर्म है सर? इस पे 32 inch की स्प्रिंग वेल है, स्प्रिंग वेल है, इस पे स्प्रिंग वेल है। तो आप क्या वारंटी देते हैं पीयू की और स्प्रिंग वेल की? सर 5 years मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट, कोई भी प्रॉब्लम आती है पूरे सोफे में वो इंक्लूसिव होती है, ठीक है, ऑन साइट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट 5 years, हाँ वही वारंटी आपकी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इस सोफे का प्राइस बताने से पहले ये बताइए, ये टेबल बहुत प्यारी लग रही है, नेस्ट टेबल, हाँ जी सर, इसके बारे में बताइए सर। ये रोज गोल्ड SS में टेबल है, ठीक है सर, उसमें मार्बल भी बड़ा स्मार्ट, इसके अंदर इटालियन मार्बल लगा हुआ है, ये एक्चुअली इम्पोर्टेड टेबल है सर, इंडियन नहीं है, अच्छा, इसलिए थोड़ी सी कॉस्ट इफेक्टिव है, इम्पोर्टेड थोड़ा सस्ता पड़ जाता, थोड़ा सस्ता पड़ जाता सर। तो अभी ये कितने की दे रहे हैं आप? ये सर 22,000 की टेबल है, 22,000 रुपए की टेबल, SS वर्क, ये दो पीस है सर, दो पीस विद मार्बल एंड एवरीथिंग, 22,000 रुपए की टेबल है। इसको आप अलग अलग भी रख सकते हो, रखना चाहो तो, और एक साथ तो ऐसे रहती है, क्योंकि इसके लेग्स काफी प्यारे हैं, हाँ जी सर, बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे लेग्स आपके। इसका मार्बल भी सर डिफरेंट है, मतलब काफी अलग है, ठीक है, अनकॉमन है, ठीक है। तो सोफे का प्राइस क्या बताया आपने सर? ये 5,800 रुपीस पर सीट, 5,800 रुपए, वो 5,500 था, तो ये 58 क्यों ऐसा सर? थोड़ा सा इसमें चेस्टर का काम बढ़ गया, और मतलब फ्रिल का काम बढ़ गया, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, फैब्रिक थोड़ा सा और महंगा लगा हुआ है, हल्का सा महंगा भी लगा, और लेबर कॉस्ट भी बढ़ गया, लेबर कॉस्ट बढ़ जाती है। आप क्या दिखा रहे हैं अब सर? एक इसकी बात करेंगे, ये डिजाइन दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, मतलब ये डिजाइन मैंने देखा है, पर जो ये मतलब इसकी फिनिशिंग, मुंह से बोले ये वर्कमैनशिप है सर इसकी, मतलब काफी अच्छी वर्कमैनशिप है, और स्लीक सोफा है जैसा आजकल कस्टमर्स मांगते हैं, ये पूरा क्रिस्कॉस क्वल्टिंग का काम है पीछे, इसके अंदर सॉफ्टी फॉर्म लगी हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरा, मतलब आप इस पे जब बैठेंगे ना आपकी पूरी बॉडी शेप ले लेगा ये, एक बार बैठ सकते हैं सर, मेरे बैठने से पता नहीं लगेगा नहीं, जब तक मेरे साथ देखेंगे नहीं, पता लगेगा, आप थोड़ा तो पूरा ये कंफर्ट जो है ना, मतलब काफी रिलैक्स सोफा है ये, ठीक है, साइज के हिसाब से सपोर्ट भी अच्छी है इसमें, और इसके अंदर रोज गोल्ड SS लगी हुई है, इसमें ये फ्रेम है सर, अच्छा ये पूरा बार है हमारा, हाँ बार है ये मतलब स्ट्रिप नहीं है, स्ट्रिप वाला लोकल काम होता है, और इवन जो इसके पीछे बैक भी देखोगे ना सर आप, पूरा इसमें पीछे भी पूरा प्रॉपर तरीके से जो आर्म पे स्टिचिंग वर्क है वही बैक पर दे रखा है, ठीक है, ये आप दीवार के साथ भी रख सकते हैं या किसी ओपन स्पेस में भी रख सकते हैं, बहुत स्लीक आर्म्स में है, और 3x2 ये साइज सोफा रखा हुआ है, नॉन शेडेड फैब्रिक लगा हुआ है जो आजकल इन है मार्केट के अंदर, 350 रुपए वाला जो आपने बताया, हाँ जी नहीं सर इसमें 350 की रेंज नहीं लगती, इसमें थोड़ा सा कम लगता है नॉन शेडेड, अच्छा नॉन शेडेड अलग अलग आते हैं, महंगा भी और थोड़ा सा मीडियम भी, ठीक है, जीएसएम के हिसाब से, जीएसएम के हिसाब से खराब ये भी नहीं होता, पर लिमिट आपको पता है किस चीज की नहीं है, नहीं है लिमिट किसी चीज की, लिमिट किस चीज की नहीं है, 2 रुपए की चीज आती है तो 2 करोड़ की आती है, उससे ऊपर भी आती है, ठीक है। और वाकई में जैसे फिनिशिंग आपकी ना, पहले बेड दिखाए थे, हाँ जी, मुझे वो डिजाइन मैंने पहली बार देखे थे, और डिजाइन तो चलो फर्स्ट टाइम देखे, पर उसकी फिनिशिंग में एक नंबर थी, जबरदस्त थी, और ऊपर से प्राइस तो जबरदस्त काफी कम थे। तो अब इसका क्या प्राइस दे रहे हैं सर? ये ऐसा है, इस सोफे में ना थोड़ा सा प्राइस में हमारे व्यूअर्स को, कस्टमर को थोड़ी सी कंफ्यूजन हमेशा रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ नहीं, मतलब कोई 5,000 रुपए सीट भी बना रहा है, कोई 10,000 भी बना रहा है, जो हमारी क्वालिटी और हमारी वर्कमैनशिप, हमारी फिनिशिंग है, 7,500 रुपीज पर सीट है ये। सेम सोफा अगर आप मुझे बोलोगे मार्केट में कि 6,000 मिल रहा, तो मैं 6,000 में भी बना के दे सकता हूँ, क्योंकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है सर, वो सब हमारे हाथ में, क्या चीज करती है, पर अपन करते नहीं होगा हम, ठीक है, जो क्वालिटी के साथ चीज लगी हुई है ना, मतलब बहुत सॉलिड लगा हुआ मटेरियल से। अब लोगों ना आजकल लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ बाहर की सुंदरता देखते हैं, उसके अंदर नहीं देखते क्या लगा हुआ है, क्या फ्रेम लगा हुआ है, क्या क्वालिटी की फोम लगी हुई है। अब मैं एक चीज और, कभी भी कोई ये सोफा देखेगा दूसरे स्टोर पर, तो ये साइड पे देख लेना एक बार, मैं गारंटी लेता हूँ वहां पे रिंकल्स होएंगे, ये एकदम सीधा प्लेन नहीं आ रहा होगा जो ये पार्ट है आपका।
तो मतलब हर आपके सोफे में स्प्रिंग वेल या पीयू लगा होगा बस। इवन जो सर अब इसका कुशन भी अगर आप देखोगे ना तो मतलब एक इसके अंदर भी आपको एक पफ अलग से दिख रहा है हाँ फॉर्म पे, वरना क्या होता है कपड़े पे सील देते हैं ना, पीछे कोई फॉर्म लगती ना कुछ लगता, ये नीट एंड क्लीन है, वर्कमैनशिप इसकी जिप सारा मतलब प्रॉपर काम है सर। हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है कि जिप खोल के कवर धोने की, तो जिप भी दे दी, चलो अच्छा। तो ये 7500 पर सीट है। इसको किसी भी कलर में कस्टमाइज कर सकते हो, इवन जो इसकी एसएस है ये रोज गोल्ड भी हो सकती है और सिल्वर भी हो सकती है, और ये गोल्डन तो है ही, गोल्डन है जी, ठीक है। अच्छा जो ये प्राइस बता रहे हैं कुछ नेगोशिएट हो पाता है क्या सर? ये फिक्स प्राइसेस है हमारे, हाँ ये मेन चीज है, जैसे मैंने बेड्स वाली वीडियो में बताया था अपना, हमारे प्राइसेस बिल्कुल फिक्स रहते हैं। प्लीज बार्गेनिंग करने के लिए ना बोले यहाँ पर आने के बाद, वरना हमारी डील शायद ना बैठ पाए, क्योंकि पहले ही बड़े आप खुद ही देख रहे हो सर, जिस हिसाब से वैरायटी है उस हिसाब से रेट बड़े नॉमिनल रखे हुए हैं। हाँ इसके साइड में मैंने अब नोटिस करा है जो ये काम हो रखा है इसमें सर, बैक पे भी आप देखोगे ना, इस सोफे पे भी पूरा देखो, पूरा पीछे काम देखो इसमें, ठीक है। मतलब और मतलब ऐसा नहीं कि पीछे छुप जाएगा तो आपका काम कम है, सेम वही जो इसकी मोटाई और सब चीजें जो है ना, हाँ इस काम को बोल जाता है दिल से करा हुआ काम, हाँ। कि मतलब किसी चीज में कमी नहीं आनी चाहिए जी, ठीक है। कुशन पे भी अच्छा हुआ है, गोल्डन टच है। तो इसके बाद आप क्या दिखा रहे सर? एक अब नॉर्मल रेंज अगर आप सोफा का हो तो वो दिखा देते हैं, एक एल शेप में, इसमें बस काफी हायर रेंज है, पर मैंने कोशिश कर दी कि इस वीडियो में वो चीज दिखाएं जो डिफरेंट हो बिल्कुल, ठीक है। ये भी क्या सोफा मार्केट में बहुत जगह है, बट हमारी वर्कमैनशिप फिनिशिंग अलग है, अपनी अलग है, ठीक है जी। अब ये है सिंपल, काफी सुंदर लग रहा है सोफा, तो बताइए थोड़ा इसका आप। सर ये शेडेड फैब्रिक लगा हुआ इसके अंदर स्वेट में, और 9x7 का इसका साइज है, दोनों साइड आर्म्स है, इवन जो इसकी आर्म्स पे है इस पे यहाँ पर गोल्डन कलर की रॉड लगी हुई है, ठीक है ये रखी हुई, और ये रॉड है सर, लोग पाइप नहीं है, कोई पाइपिंग नहीं है, जो फैब्रिक वाली पाइपिंग चलती है आजकल वो नहीं है, वही एसएस के लेग होंगे हमारे नीचे, एसएस के लेग्स हैं सर इसके अंदर, बैक में वही सिलाई कर रखी है गोले की, इसे आप कैसे भी चेस्टर भी बनवा सकते हो या सिलाई ऐसे भी रख सकते हो, और इसके लिए टेबल सेम वही पफीज आ गई जी, इस पे अभी जो ये सिरोस्की स्टड लगे हुए इसको आप फैब्रिक कैसे भी कस्टमाइज करा सकते हो इसको, और ये जो बहुत कम लोग देते हैं ये स्टिचिंग, ये बहुत कम लोग देते हैं और ये करना मुश्किल होता है ये सर, वो ये छोटी छोटी नहीं दे पाते, छोटी छोटी फिनिशिंग होती है सर, छोटी छोटी चीजें जो मतलब उसको सोफे कॉस्ट ऐड कर देती है, कम कर देती है। मैं तभी कहता हूँ और किसी को कभी भी सोफा लेने जाए अगर वहाँ स्टिचिंग वर्क देख ले तो उसकी फिनिशिंग जरूर देखें, स्टिचिंग वर्क की, और साथ साथ मतलब सीट के भी, सीट में क्या होता है कभी कभार बैठते हैं ना तो उठते हैं तो उसको कहते हैं कपड़े इकट्ठा सा हो जाता है, वो हो जाता है, इनमें क्या है आप बैठे अभी इस पर और एकदम अपनी शेप ले ली इसने, बिल्कुल सर, ठीक है। तो आपने बताया ये थोड़ा कम प्राइस का है जी सर, तो क्या प्राइस है इसका? ये 5500 पर सीट, ये भी सेम 5500 पर सीट, चलो ठीक है। और अब ये देखो क्या बात है, मजा आ गया देख के सर। इससे पहले ये छोटा था, ये भी कवर करते अच्छा, हैं ये भी करते हैं हाँ जी। ये इसी के साथ का सोफा है, इसमें सर ये एसएस का फ्रेम लगा हुआ है साइड में, ये जो आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर रोज गोल्ड कलर में, इसको आप गोल्डन भी करा सकते हो और रोज गोल्ड भी कर सकते हो, सिल्वर भी करा सकते हो, और बड़ा लिमिटेड सिंपल सोफा, बीच में स्टिचिंग का डिजाइन कर रखा है हमने यहाँ पर, वो कलर के वजह से नहीं पता लग रहा फैब्रिक के कलर से, हाँ ये जो ये है ना थोड़ा डेप्थ अंदर डीप है, और ये लॉन्जर सोफा है सर, एक तरफ से ओपन है, ठीक है, वहाँ पे आराम से दोनों तरफ से बंदा बैठ सकता है जी सर। ये भी सर सेम रेट 5500 पर सीट है, अच्छा, और ठीक है, बताइए। और इसके अंदर जो मतलब क्या है फ्रेम वर्क के साथ थोड़ा सा कई बार क्या होता है कॉस्टिंग बढ़ जाती है, बढ़ा देते हैं, बट अपने यहाँ से किसी भी आइटम में नहीं मिलेगा, जो जेन्युइन प्राइस है वही रहेगा इसका, और ये प्राइस 5500 है, 5450 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं कि फ्रेम बढ़ गया भैया 2000-2500 इसके बढ़ गए, फिर बैक पे एडजस्टेबल हेडरेस्ट है उसके प्राइस अलग बढ़ गए, फिर ये स्टड लग गए, ये जो आपके बटन जो भी है इसके प्राइस अलग, सबका अपने स्टाइल है सर, हमारे हमारे कस्टमर्स ही हमारे शुरू से ऐसे बने हैं जो ट्रस्ट करके आते हैं, उनको पता कि ये लेना तो ये लेना, वो भरोसा करके आते हैं, ठीक है, तो वो बढ़िया ही रखने की कोशिश। और अगर किसी ने सर की पहले वीडियो देखी है और उनसे अगर कुछ खरीदा है तो प्लीज़ एक कमेंट में स्टोर के बारे में एक छोटा सा रिव्यू देना, और प्लीज़ एक मतलब असली वाला रिव्यू देना कि अच्छा लगा या बुरा लगा, ठीक है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही लगा होगा। अब इसके बारे में बात करते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, डुअल कलर हमारा सर, ये डबल कलर में सोफा है, और ये भी बड़ा स्मार्ट सोफा बना हुआ है सर, बहुत हेल्दी इसमें फॉर्म लगा रखी है, जो नीटनेस देखोगे इसकी, ये स्लीकनेस, ये तीन कंट्रास्ट में अलग अलग कलर में बना हुआ सोफा है ये, आई डोंट नो ये आपके इसमें कैमरा में अच्छी तरह कैच कर पा रहा होगा नहीं कर पा रहा होगा, बट आप लाइव देख रहे हो तो मोस्टली मन करता है इसको घर लेकर जाने का सोफा, जी मतलब कैमरे में अच्छा लग रहा है, रियल में तो जबरदस्त, हाँ जी बहुत बढ़िया। इसमें सर सेम वही स्लीक लेग्स लगी हुई है और तीन तरह का फैब्रिक लगा हुआ है, ये कुशन इसके फिक्स हैं सर, अच्छा ये कुशन हमारे ये फिक्स है और ये भी कुशन फिक्स हैं, ठीक है, ये कुशन लूज हैं, ठीक है लूज, ठीक है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है, हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये एक थ्री सीटर है, ये इसका एक टू सीटर है,
और ये नॉन शीटेड फैब्रिक के अंदर है, ये 8000 रुपए सीट का सोफा है सर। ठीक है, 8000 रुपए पर सीट। तो आप 3 लीजिए, 5 लीजिए, कैसा भी ले सकते हो आप, 8000 पर सीट ही रहेगा। अब क्या होता है कई बार सर, इसका जैसे अब वीडियो चल रही है हमारी, क्या ये जो डिजाइन है ना, सिर्फ ये ऊपर का मतलब चमक में देखो, मेन अंदर की फिनिशिंग, अंदर की मजबूती है, क्वालिटी वो वर्कमैनशिप है। मैं वही मैं कहता हूँ कि क्योंकि कॉपी तो कुछ भी हो जाता है बड़ी जल्दी, बट वो उसको सेम चीज लेकर आना बड़ा मुश्किल है। नहीं, मुझे लोग कहते हैं कि पहले कि सर ये तो मैंने अपनी जगह अपने मतलब एरिया से खरीदा तो मुझे इतने का मिला, अब उनको ये नहीं पता कि उसके अंदर लगा क्या था। हाँ जी। और मेरी एक खासियत है कि मैं उन्हीं स्टोर की बनाता हूँ वीडियो जिनमें क्वालिटी मिलती हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, और प्राइस भी कम और क्वालिटी भी हो। मैं हर किसी के नहीं बनाता कि चलो क्वालिटी उन्होंने थोड़ी कम कर दी, प्राइस भी कम कर दिया। तो मैं उनको पहले ही बोलता हूँ कि भैया अगर आपने बनवानी है तो प्लीज़ बताना पड़ेगा कि ये लगा रहे हैं, तभी फिर वीडियो बनेगी। ठीक है, तो ये 8000 पर सीट है, 8000 पर सीट। अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कोई हमारे वीडियो से आता है तो कुछ नेगोशिएट कर दो इस सोफे पे, क्योंकि सही आपकी वीडियो वाले ही रेट हैं, बाकी फिर भी अगर आप कहते हो मतलब लास्ट अगर हम इसको खींच सकते हैं तो 7800-7700 रुपीज पर सीट दे सकते हैं, लगभग 300 पर सीट आप कम कर देंगे। बाकी जो रेट जो भी मैं बता रहा हूँ आपकी वीडियो से जो देख के आएंगे सबके लिए उनके लिए रेट है, रेट हमारे फिक्स ही। आप देख ही रहे हो सर, आप वर्कमैनशिप की फिनिशिंग के हिसाब से, ये शोरूम आर्टिकल है सब ना, ये मतलब आपको अनकॉमन है, हाँ, फिनिशिंग है, क्योंकि बेड भी आपके अनकॉमन है, आपका चीज काफी वाकई में काफी सुंदर, काफी अच्छी चीज है आपके पास। बिल्कुल सर, ठीक है। तो हमारे लिए सर ने मतलब आपके लिए अगर आप आते तो 300 पर शीट इस सोफे कम कर दिया है, बट प्लीज उससे ज्यादा बार्गेन करने के लिए मत कहना, क्योंकि हम क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करते, तो हमें ऑर्डर छोड़ना पड़ता है। हाँ, बस बहुत बढ़िया, नाम बनाना है तो ये करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कभी। ठीक है, अब पीछे रखा एक बल्कि सोफा हमारा लेदराइट में, एक सर ये लेदराइट में सोफा है जबरदस्त, ये भी सर मतलब आप मतलब एक ऐसा सोफा है जिसपे अगर आप बैठ गए यहाँ पर आके हमारे व्यूअर्स कस्टमर्स बैठेंगे ना, तो अगर उनके घर में जगह है अच्छी तरह रखने की इसको, तो वो छोड़ नहीं सकते इस सोफे को, इतना कंफर्टेबल सोफा है, काफी बल्की है, बल्की भी और कंफर्टेबल, 13x9 का साइज है सर इसका। उसमें एक चीज नोटिस करिए, इसकी बैक कितनी टेपर में हमारी, बहुत टिल्ट है सर, स्लांट है, मतलब एक रिक्लाइनर सोफा है ये। हाँ, रिक्लाइनर सोफा है, और ये इसकी जो वुडन आर्म है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेदराइट है, क्रैक नहीं आते इसके अंदर 5 साल मिनिमम। ठीक है, क्रैक नहीं आते, या इसमें क्या होता है पपड़ी से उतरने लग जाती है, क्रैक उसी को पपड़ी को मैं बोल रहा हूँ, मतलब 5 साल की तो कंपनी श्योरिटी दे रही है हमें। अच्छा, आपको दे रही है कंपनी फैब्रिक वाली, जनरली क्या है फैब्रिक की श्योरिटी नहीं आती कोई, 5 साल कंपनी दे रही है, तो मतलब अच्छी चीज ही होगी सर, जब भी कोई गारंटी देता है किसी चीज की। इस पे भी आपका पीयू लगा है या पीयू लगा है, पीयू है सर इसमें। ठीक है, तो अभी कितने सीट सोफा रखा है यहाँ पे हमारा सर? ये फिलहाल रखा हुआ है, मतलब जो प्रॉपर सिटिंग स्पेस की बात करो तो 7 सीटर है, हिसाब से 8 सीट है। अच्छा, 8 सीट है, कॉर्नर को आपने वो 1.5 है ना। ठीक है, तो 8 सीट आपका सोफा है। हाँ जी, लेदर आइट की आपने बता दी कि 5 ईयर्स वारंटी पीछे से ही आपको मिल रही है, तो आप भी आगे दे रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, वैसे तो 5 साल की वारंटी अपने हर सोफे पे दे रहे हैं। सर तो अभी क्या प्राइस दे रहे हैं इसका? सर ये अगर इसकी पर सीट की बात करें तो 8500 रुपीस पर सीट है। 8500 जी। हाँ, ये मतलब चीज़ है सर, वाकई में 8500 वाली चीज़ है, नहीं तो अच्छे अच्छे शोरूम में ये नाना करते करते 12000 पर सीट। बिल्कुल सर, बिल्कुल है। मिलती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टेबल एक और रखी है, अब हम बता नहीं सकते, काफ़ी शोरूम्स पे हम देते भी हैं बट वो हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए सर, वो भी क्योंकि हम होलसेलर भी, आपको पता है जब लास्ट वीडियो में सर आपको बताया था होलसेल का काम है, तो उस हिसाब से हमें सप्लाई का काम है आगे। ठीक है, तो अभी ये नेक्स्ट टेबल। हाँ जी सर, ये रोज गोल्ड कलर में है सर, ब्लैक कलर का इटालियन मार्बल लगा हुआ इसके अंदर, बड़ा स्मार्ट। ये भी सर सेम 2 पीस हैं इसके। ठीक है, और बताइए बाकी सर इसके अंदर, वही है इम्पोर्टेड है ये टेबल भी, और इसका जो प्राइस रखा हुआ है हमने बड़ा नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, 18000 में 2 पीस हैं ये। चल 18000 में, 18000 और अगर खुद कोई मैन्युफैक्चर करता है इंडिया में आता है तो ये सर मतलब इंडिया में बनता है ना, तो इसका एक तो मार्बल की कॉस्टिंग ऐड हो जाती है, वो ऐड हो जाती है, प्लस इसके अंदर जो इसकी जो एसएस की है ना कोटिंग, वो इंडिया में थोड़ी सी महंगी पड़ती है, तो मतलब आप ये टेबल इंडियन बनवाना चाहोगे तो 29-30 हज़ार से कम नहीं बैठ पाएगी। हाँ, अब उसका रीजन है कोटिंग क्यों यहाँ पे महंगी पड़ती है, ये बाहर जहाँ से आते हैं वो बनता पूरा बल्क में, बल्क 1000 पीस में करते हैं, यहाँ पे स्पेशल एक के लिए बनाना पड़ता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल कॉस्टमाइजेशन आ जाता है। ठीक है जी सर, अब एक ये भी बता दीजिए सर, एक ये सोफा है, ये थोड़ा सा सर जिनको थोड़ा सा कंफर्ट सॉफ्टी भी बैठने का मजा आता है, सॉफ्ट बिल्कुल, हाँ जैसे कहते हैं बिल्कुल सॉफ्ट सोफा है सर ये, बैक से भी और सीटिंग से भी, मक्खन सोफा कह रहे हैं, हाँ मक्खन सोफा कह सकते हैं इसको, बैठे एक बार मक्खन सोफा, थोड़ा उधर होके बैठना बस, हाँ थोड़ी बैठिए, कंफर्टेबल है सर पूरा, मतलब पफ अच्छा है इसके अंदर, आप इसे मतलब 4 घंटे भी लगातार बैठे रहोगे ना तो मतलब आपको मन नहीं करेगा कि उठ के इस पे भागे, और इवन जो इसके अंदर कपड़ा भी लगा रखा है ना हमने,
लेदर स्वेट लगा रखा है, लेदर इट नहीं है। अच्छा, लेदर स्वेट, लेदर स्वेट फैब्रिक है। इसके अंदर काफी सारे कलर्स आते हैं, हम आपको ऑप्शंस दिखा देंगे सारे। और बाकी फॉर्म सेम वही है सर, सॉफ्टी फॉर्म लगी हुई है इसके अंदर, पीवीसी के ब्लैक लेग्स हैं इसके अंदर। और जो इसके अंदर थोड़ा सा चेंज एक हमने कर रखा है, इसकी जो सेंटर टेबल है ना सर, सेंटर टेबल में नीचे हमने स्पेस बना रखा है, बहुत बढ़िया। जनरली क्या बंद होती है सेंटर टेबल, इसके अंदर सेंटर टेबल के अंदर थोड़ा सा स्पेस बना रखा है हमने। ठीक है, अब जी आपने वर्कमैनशिप की बात करती है। हाँ जी, अब इसकी क्योंकि फिनिशिंग तो दिख ही रही है, एक चीज अच्छी लगी इसका राउंड। तो हर सोफा क्या होता है कि मतलब सर पूरा प्रैक्टिकल है ये, मतलब मैं अगर इस पे बैठा हूँ ना, ये देखो आप, तो ये साइड वाला एरिया, यहाँ आराम से दो लोग बैठ सकते हैं और यहाँ तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं। यूज में आ रही है, हाँ यूज में आ रही है, बहुत अच्छी चीज है जी। और इसका क्या है, ये सेम जैसे लास्ट सोफा में आपने देखा था, कॉर्नर सेट है ये, एक चेयर फोल्डिंग है, आप यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट करा सकते हैं, हमारा उठा के हम इसको कहीं भी रख सकते हैं। तो इसका क्या प्राइस है अभी सर? ये 5500 रुपए सीट है, 5500 रुपए पर सीट। ये सोफा इतना बल्कि जी सर, मतलब इसमें मेरे ख्याल से आपका वो लगा हुआ है, क्या कहते हैं, सॉफ्टी, सॉफ्टी फॉर्म लगी है। हाँ, अच्छा एक चीज सर छोटी सी, सॉफ्टी फॉर्म की जो वारंटी मिलती है वो 3 इयर्स मिलती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल फॉर्म, क्योंकि ये पहली सॉफ्ट होती है तो यूज के ऊपर बात है, आप कैसे यूज करोगे वैसे चलेगा ये। तो इसकी 3 साल की देते हैं, 3 साल की सिर्फ सिटिंग की, ऑल ओवर 5 इयर्स जैसे। अच्छा, ऑल ओवर 5 इयर्स स्ट्रक्चर, सिर्फ इस मतलब सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म, अगर आप इसमें चेंज कराओगे तो उसकी 5 साल है। ठीक है, अगर सर देखो सॉफ्ट की रहे ना, कहीं कहीं HR लगाया जाता है, हाई रेजिडेंस लगाई जाती है, तो वो लगाते कितना बढ़ जाता है सीट सर? उसमें अच्छा खासा फर्क आता है। देखो उसमें भी ना अलग अलग क्वालिटी है, और जब भी कोई मतलब हमारे पास आप कस्टमर्स आएंगे या देखेंगे आकर, तो हमारे पास सब वैरायटी होगी एक एक गद्दी की, तो हम आपको सोफे पर बिठाकर चेक करा देंगे, जो आपको लगवाना हो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट हम आपको अपडेट कर देंगे। मतलब कुछ ही बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ लोग कहते हैं कि इतने रुपए पर सीट? नहीं सर, वो आती है, महंगी भी आती है, सस्ती मीडियम भी आती है, लिमिट उसकी कोई नहीं है। ठीक है चलो, दिखने में सारी एक जैसी है। अब स्प्रिंगवेल जैसे आप, इसमें स्प्रिंगवेल लगी है। हाँ जी, पर हर किसी का नाम बना हुआ फेदर फॉर्म। सर मैं झूठ बोला आपको, पता है ना बेड में बोला हमने ना, क्योंकि सोफा देखो जो मैंने 9500 रुपए सीट वाले सोफे में नहीं बताया कि मैंने स्लीपवेल लगा रखी है, फेदर फॉर्म लगा रखी है इसके अंदर। मैं वही जो क्लियर कट बात है सर, उसमें मजा आता है, सामने वाले को ट्रस्ट रहता है। स्लीप वेल की इस पे अभी गद्दी लगी हुई है, अगर कोई कहता है मेरे को फेदर फॉर्म लगा रहा, तो कितना डिफरेंस आता है? 100 रुपए गद्दी, मतलब 100 रुपए सीट, 100-200 रुपए, मतलब 100 रुपीज पर सीट, पर सीट। अच्छा, सिर्फ 100 रुपए पर सीट, 100 रुपए पर सीट फर्क। काफी अच्छी सर, काफी अच्छी बात लगी। नहीं तो कुछ लोग कहते हैं सर उसमें फर्क नहीं है ना कोई, एक फेदर फॉर्म जैसे एक, मतलब वही बात है, स्लीपवेल एक ब्रांड है, फेदर फॉर्म उसका एक सेकंड पार्ट है, तो वो सर लिमिट किसी चीज की नहीं है, आप अपने मन के साथ कितना ही बढ़ाते रहो, फर्क होता है बट उतना फर्क नहीं होता जितना उसका पे करना पड़ता है हमारे को, क्योंकि मार्केट में काफी अच्छा नाम बना हुआ है स्लीपवेल। ऑब्वियसली सर स्लीपवेल तो एक ऐसी ब्रांड है जो मतलब आग बन करके भरोसा करने वाली ब्रांड है। एक सर एक ये सोफा है हमारा, ये आप इसके पूरा अच्छी तरह ओवरलुक चेक कीजिए, ये सर इसमें फैब्रिक लगा हुआ है। अच्छा, ये फैब्रिक है ये? जी सर। ओके, मतलब जबरदस्त सर, ये कोई मैं ये सर आप साथ में टच करके भी जज नहीं कर सकते फैब्रिक? हम बदल दूंगा, मजाक नहीं करते, बता दे इसको कि फैब्रिक है ये, नहीं तो यहाँ पे रिंकल्स आते हैं सर फैब्रिक में। मतलब सर मतलब बड़ा नीट एंड क्लीन, इवन जो नीचे ऊपर नीचे साइड वाइड का सारा एरिया देखोगे ना आप इसका, बहुत नीट एंड क्लीन सोफा बना हुआ है, गोल्डन कलर का ये फैब्रिक लगा हुआ है, और ये गोल्डन कलर का ये इसके अंदर लेग लगा हुआ है अलग है। इवन जो इसकी जो ये देखोगे, ये चीज देखोगे आप, ये फिनिशिंग देखिए सर, आप दिल खुश कर दिया सर, डेप्थ देखो सर इसकी आप। हाँ, दिख रही है जबरदस्त, नॉन शेडेड फैब्रिक है सर, बहुत स्मार्ट सोफा है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है हमारा ये, 322 में भी चलता है और एल शेप में भी चलता है, जैसे आप बनवाना चाहो वैसे बन जाएगा सर। ठीक है, पता क्या है, मैं ज्यादा तारीफ करनी नहीं चाहिए, पता नहीं मेरे को ये चीज इतनी अच्छी लग रही थी, मैं कर रहा तारीफ, वाकई जबरदस्त चीज है, फिनिशिंग सोफे मुंह से बोल रहे सर आपके। तो इसका क्या प्राइस दे रहे हैं अभी सर? ये इसका भी बड़ा नॉमिनल प्राइस रखा हमने, 7500 पर सीट, 7500 पर सीट इसमें। हाँ जी, और पीछे आपने 8000 पर सीट दिया था, 8000 उसको 77 आपने करवा लिया था। हाँ, 77, तो इस पे नहीं करवाऊंगा, अगर कोई कस्टमर आते हैं तो वो उनके ऊपर देखते करवा सकते नहीं करवा सकते। नहीं नहीं फिक्स है सर वो, प्लीज आप एक बार आप भी रिक्वेस्ट कर दीजिए उनको कि वो रेट्स में ना कहें, क्योंकि पहले ही बड़े नॉमिनल हमने रेट रखे हैं। अब मैं पता क्या देख रहा हूँ, इसके साथ का एक पीछे एक अलग रखा हुआ है। हाँ जी हाँ जी सर, वो कस्टमाइज कलर रखा हुआ है। तो मतलब ऐसे हर सोफे के ऑलमोस्ट आपको मिलते रहेंगे हमारे पास ना, रेगुलर ऑर्डर के हिसाब से। अभी इन्होंने लाइट ग्रे के साथ डार्क ग्रे कॉम्बिनेशन करा है, बहुत सुंदर, ये डार्क ग्रे अंदर है, लाइट ग्रे बाहर है, ये कंट्रास्ट हो गया हमारा ना। और ये अब ये आपके आगे एक सैंपल भी आ गया कि ऑर्डर वाले पीस और डिस्प्ले पीस में फर्क आता है, कोई फर्क नहीं है, एक रुपए का फर्क नहीं है, सिर्फ कलर का फर्क है, कलर का फर्क है सिर्फ, वही 77, तो वही चीज सबके साथ सब में मिलेगी आपको। ठीक है जी, तो एक पीछे एक दोबारा जो मार्केट में दिखता है, हाँ बहुत महंगा बिकता है। जी सर, दिखता है और बिकता है पर महंगा बिकता है ये भी सर, बड़ा नॉमिनल रेंज में है हमारा सोफा ना। हाँ हाँ, इसमें भी सर ये
पाइपिंग नहीं है, ये पाइपिंग लगी हुई है फैब्रिक की और ये सेम गोले स्टिच हो रखे हैं और ये गोले पीछे पूरे पीछे तक हैं। आपको अब मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, एक बार आइए आप। ठीक है, ये चीज जो है ना, जो पीछे पूरा मतलब आपका बहुत हैवी सोफा बना हुआ है सर, मतलब ओपन स्पेस के लिए। आप कह रहे हैं ओपन स्पेस के लिए काफी अच्छा है। बीच में भी वीविंग वाला डिजाइन लगा हुआ है, डबल कंट्रास्ट में हमने बना रखा है। आप सिंगल कलर में बनवाना चाहो सिंगल कलर में बनवा सकते हो और डबल में भी रख सकते हो। क्योंकि देखो सीट पर तो मैंने हमेशा वो देखा जो एक हम आता है जिगजैग जिसे परफी कहते हैं जी सर, वो डिजाइन देखा या ये स्ट्राइप वर्क देखा? ये पहली बार देख रहा हूँ, ये डिजाइन पहली बार। डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। हाँ, काफी अलग है। हाँ जी, इसमें भी ऑप्शन होता है क्या आपके पास? हाँ सर, इसमें सर स्ट्रेट लाइनिंग आ जाती है सर बस। नहीं ऑप्शन वो स्टिचिंग कैसे, कितने ऑप्शन होते हैं आपके पास? तीन चार ऑप्शन हम दिखा देंगे अलग अलग, मतलब होते हैं ऑप्शन, होते हैं ऑप्शन थोड़े। ठीक है, तो अभी इस सोफे का क्या प्राइस? इवन जो इसकी लेग्स है ना सर, लेग्स भी थोड़े से डिफरेंट रखी हमने। बहुत बढ़िया सीएनसी वर्क वाले, सीएनसी वर्क वाले लेग्स रखी हुई है, जबरदस्त। लेग्स की फिनिशिंग देखो सर, ग्लॉसी आपको बता देगी क्या चीज बनी हुई है। ये हमारे लगभग 5 इंच के लेग्स है, 5 इंच के, बट आप मतलब वर्कमैनशिप आप देखोगे ना, हर चीज का थोड़ा 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 सब चीज का फर्क है, इसलिए रेट थोड़ा सा हमारे हल्के से ज्यादा है। सर कुछ सोफों में क्या होता है, एक होता है कि धक्का बेल कहता है इसे, कि बना के चल परे घर, बना के चल परे, कुछ सब जिसमें टाइम ले जाता है, आराम से दिल से बनाया। जब मैंने अब हमारे पास इतने सारे इंटीरियर डिजाइनर्स हमारे से कांटेक्ट में हैं, जो आगे सप्लाई मतलब जो आगे आगे रेडी करके देते हैं फ्लैट्स वगैरह सब चीज़ें, तो मतलब वो लोग तो सर आपको पता है इंटीरियर डिजाइनर तो स्पेशल, मतलब वो तो पॉइंट टू पॉइंट चेक करने वाले लोग होते हैं। और आप वर्कमैनशिप तो हमारे पास 60% क्लाइंटेज डिजाइनर्स की है। ठीक है, तो आपके आराम से चेक भी कर लो, मतलब उस पर एक घंटा भी ले लो, आप कोई इसमें कमी नहीं निकाल सकते। पर हाँ कभी कभार हो जाता है कि इंसान से गलती हो जाती है, हाथ से काम होता है तो कभी कभार हो जाती है, हर बार तो कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। तो अभी इसका क्या प्राइस दे रहे हैं सर? ये 7800 पर सीट, 7800 7800 रुपये। तो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं इसमें सर? ये बड़ा नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, नहीं कर सकते? चलो ठीक है, 75 भी नहीं हो सकता क्या? हाँ जी 7600 हो जाएगा सर। चलो 76, चलो कुछ तो होगा, बहुत बढ़िया। क्योंकि नहीं तो मार्केट में 10,000 से कम नहीं बिकता सर। बिल्कुल सर, नहीं बिकता 10,000 से कम। सर क्या होता है मैं बताता हूँ आपको, एक अगर प्रैक्टिकल बात बताऊँ ना, जनरली जो हमने कस्टमर से सुना है स्क्रीनशॉट लेकर, मतलब जैसे आप वीडियो बन रही है सर, उसका डिजाइन का स्क्रीनशॉट होएगा ना, आप कोशिश हमेशा देखना, आप मेरे पास भी किसी का लेकर आओगे ना, तो ये ह्यूमन नेचर है सर कि मतलब मेरे पास तो कोई फोटो आएगी वो 10,000 सीट मार्केट में, मैं कहूंगा नहीं 7,000 में बना दूंगा, चाहे पता नहीं क्या लगा रहा हूँ। तो वो सर वो चीजें होती है, उसको कस्टमर को ना एक फेथ बनाना पड़ेगा, जो भी आएंगे हमारे पास एक फेथ बनाना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये सिर्फ बिकता है फेथ पे फर्नीचर। अगर मैं ये कहता हूँ, अगर आप लोग कभी स्क्रीनशॉट लेते हैं, दूसरी फैक्ट्री आते हैं, चलो बनवाते हैं, आपको सस्ता दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा कोई हर कोई सस्ता जाता है। बिल्कुल सर, ठीक है सस्ता दे रहा है, तो रिक्वेस्ट है उनको हमेशा वहाँ पे जाते, तो उनके मतलब स्टेप बाय स्टेप जब फ्रेम बनता है तो एक बार फ्रेम देख लीजिए कौन सी लकड़ का या कितना बना है, या फोम कौन सी लगा रहे हैं, लगे हुए के बाद देखना फोम, ये नहीं कि ये दिखा दे कि ये लगाएंगे बाद में लगाए ना लगाए, जब लग जाए तब फोम देखना कि ये लगी है या नहीं लगी जो बताई थी, तो ऐसे करके एक बार चेक करिए, तब आपको पता लगेगा कि क्यों यहाँ पे 75-78 है और क्यों वहाँ पे आपको 65-7 मिल रहा है। ठीक है, और सर इसमें क्या है ना, मतलब सोफों में ना ऐसी इतनी चोरी है सर, अगर मैं हिंदी भाषा में बात करूं, इतनी चोरी है पता ही नहीं, जज ही नहीं कर सकते हमने क्या कर दिया अंदर। ये सिर्फ एक फेथ है, गुडविल है सबकी अपनी जी, कि कहां से आप ले रहे हो और क्या चीज ले रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा मैं ही बहुत अच्छा बना रहा हूं, जो अगर 15,000 पे सीट सोफा दे रहा तो उनकी क्वालिटी 15,000 वाली है। अच्छा अच्छा, मैं ये मेरा नहीं कि 9,000 वाली सीट मेरी, मैं 15,000 बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी बात है ये, तो वो ये सर सबके जितने पैसे लेने उतने का माल है, बस मार्जिन सबको लेना है। एक एक कार्विंग सर, एक भी फिलहाल एक ही पीस जिसपे मैं दिखा दूंगा मैं आपको, एक ये है, ये सागवान में है सर, इसे पीयू पॉलिश हो रखी है इसके ऊपर। अच्छा, और ये पूरा सागवान ही है, फाइबर नहीं है। अच्छा, ये सागवान ही है, सागवान ही है, अंदर का फ्रेम मरंडी का होता है इसका भी। हाँ, वो तो है। और बाहर का पूरा जो आउटर एरिया डिस्प्ले का है वो पूरा सागवान का है, इवन जो इसके नीचे वाला बाउंड्री भी देखोगे पूरी, इसमें ये भी टीक वुड की पूरी कार्विंग हो रखी है इसके अंदर, और बड़े स्मार्ट इसमें ये फ्लैप बना रखे हमने फैब्रिक के ऊपर डबल, प्लस इसका जो बैक का फैब्रिक है ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है आम फैब्रिक से। जी बहुत अच्छा जी, और बस ये थोड़े से एसेसरीज लगा रखी है जो सोफा को जो स्मार्ट बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप के सोफाज में ना ये थोड़े से एसेसरीज इस टाइप की लटकन वाली और ये सब चीजें थोड़ी अच्छी लगती है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो वही आपने पूरा ये प्योर हमारा सागवान ही है, कोई फाइबर नहीं है, कोई रेजिन नहीं है। हाँ जी हाँ जी, इसमें सर हमारे पास काफी सारे डिजाइन है, जब भी कोई कस्टमर विजिट करेंगे तो हम उनको दिखा देंगे। प्लस एक हमारी जो मेन मेरे को चीज बोलनी है, आप हमारे से ज्यादा फोटोज के लिए अपील ना करें, क्योंकि जो वीडियो में वो डिजाइन देख के आप उससे इंक्वायरी ले सकते हैं हमारे से। फोटोज हमारे पास ज्यादा होती नहीं, हम ज्यादा बार बार फोटोज भी भेजना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, एक बार में जितना हो सकता है उतना कर पाएंगे, या अगर आपके पास कोई डिजाइन है तो आप अपना डिजाइन भेजिए, प्लस कोई भी आपका एक्सपायरी डिजाइन है और आप चाहते हैं कि इस फिनिशिंग में बनवाना, तो उस हिसाब से वो बन जाएगा।
ठीक है जी सर। तो एक ये डिवाइडर की बात कर लेते हैं। हाँ सर, ये डिवाइडर एक सिंगल डिवाइडर किसी का कस्टमाइज बेस बना हुआ है हमारे पास। ये भी अलग अलग कलर में चेंज करा सकते हो, ये कस्टमर ने अपना फैब्रिक दिया था उस हिसाब से बना हुआ है जी। अच्छा, कस्टमर ने अपना फैब्रिक दे रखा है जी। अब ये बात आपने करी तो मैं थोड़ी कर लूँ बात इसकी। कस्टमर अपना फैब्रिक दिया है हाँ जी, वहाँ पे हम जो लगा रहे हैं सोफे में फैब्रिक 250 रुपए वाला हाँ जी। अगर कस्टमर कहता है कि मेरे को अपना फैब्रिक देना है हाँ, तो उनका लेस हो जाता है पैसा? सर वो 250 मीटर के हिसाब से लेस हो जाता है। तो मतलब एक सीट में कितना लग जाता है? अप्रोक्स 3 से 3.5 मीटर। 3 मीटर लग जाता है, 3, 3.5, 3, 3.5 अलग अलग जो डिजाइन के हिसाब से। एक एवरेज बात करें तो 3 पकड़ के चलो, कम से कम 3 लगता है। 3 तो लगता है, 750 रुपए पर सीट में कम हो जाएगा अगर आप अपना फैब्रिक देते हैं। अब आप फैब्रिक 100 रुपए दीजिए या 1000 रुपए दीजिए, ठीक है। तो अब नीचे वाले सेक्शन में चलते हैं आप ना। आइए सर, जैसे अब लास्ट वीडियो में हमने बेड्स देखे थे, अब हम उस एरिया में आ गए हैं। यहाँ भी कुछ हमारे सोफास के डिजाइन हैं और ये बेड्स वगैरह भी हैं। जैसे आपने लास्ट में देखे थे 18,500, 22,500, और आप देख ही पा रहे हो वाइड रेंज है हमारे पास बेड्स के पीछे। बेड्स की तो कमी नहीं है, तो इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं वापस। अगर वो देखना तो मैं लिंक आप डाल देना, जो भी इंटरेस्टेड हो प्लीज उसको एक बार डेप्थ में देखना चाहते हो देख सकते हो, नहीं तो एक बार वीडियो इस वीडियो में हाईलाइट दे दूंगा। अगर बिल्कुल सर तो स्क्रीनशॉट लेके, चॉइस है आपकी, चॉइस है, क्वेरी ले लीजिए प्राइस की। हाँ जी ठीक है, बताइए। एक सर हमारा ये मॉडल है, ये भी एल शेप में है सर, 9x7 का साइज है। ये भी एक कॉर्नर सेट है, इसका भी एक कॉर्नर है सर, एक चेयर एक्स्ट्रा है इस पे। ये फाइबर वर्क हो रखा है जो वुडन लुक देता है। ये सर ये लोगो लगा हुआ है, एक जाना माना ब्रांड है ये भी, और ये स्टिचिंग हो रखी है इसके अंदर, ठीक है। बाकी इसकी जो कुशनिंग है पीछे, इसकी फॉर्मिंग देखोगे बड़ी सॉफ्ट है। अच्छा, वही फाइबर हमारी कौन सी, और नीचे फॉर्म है। हाँ जी, कौन सी कंपनी की फाइबर है सर? ये फाइबर देखो, मैं रिलायंस की नहीं लगाता। बहुत बढ़िया, अब मेरे को बहुत अच्छा लगा है। बोले बोले आप, रिलायंस की नहीं लगाता, नॉर्मल कंपनी की है, बट ऐसी है आपके घर में चलेगी, ये नहीं कि साल बाद ही फैल गई। आजकल मैं जहाँ भी वीडियो को शूट कर रहा हूँ सब क्या कह रहे हैं कि ये रेकरॉन है, रिलायंस की फाइबर, रिलायंस की फाइबर, रिलायंस नहीं है। मेरे को आपका सर एक चीज बहुत अच्छा लगता है कि आप साफ बोलते हो, सच बोलते हो, जो लग रहा है वही बोलते हो सर। वो स्प्रिंगवेल लगा रहे, स्प्रिंगवेल बता मतलब शुरू से सर आदत ही ऐसी है सर, झूठ वाला काम ही नहीं, जिसमें जो लग रहा है वही लग रहा है। बहुत बढ़िया, और इसके अंदर सर स्प्रिंगवेल भी नहीं लगी क्योंकि एक रेंज ऐसी सोफा है। अच्छा, बहुत नॉमिनल रेंज का, 32,000 की रेंज में हमने सोफा निकाल रखा है, एल शेप विद टेबल एंड टू पफीज, मतलब लगभग 4000 पर सीट, 4000 पर सीट हो गया अप्रोक्स, 4000 पर सीट में सोफा। और इसमें मेरे पास 10 डिजाइन है इसी रेंज के अंदर, 4000 पर सीट के अंदर। फेदर फॉर्म स्लीपवेल स्प्रिंगवेल नहीं है इसके अंदर। हाँ, क्या लगता है? एक नॉर्मल फॉर्म लगी हुई है सर, नॉन ब्रांडेड, जो एक फैक्ट्री की फॉर्म होती है ना सर, वो लगी हुई है, बट उसकी भी हम 3 साल गारंटी लेकर चलते हैं। ठीक है, 4000 पर शीट में भी आप 3 साल की गारंटी लेकर चलते हैं। बहुत बढ़िया, और उसमें कोई शिकायत आपको नहीं आएगी। और फैब्रिक इसके अंदर 200 रुपए पर मीटर का इंक्लूड होता है। फिलहाल इसमें लेदर स्वेट लगा हुआ है, और इस रेट में भी सर मैं गारंटी दे रहा हूँ, मतलब इस रेट में ये चीज मेरे को लगता नहीं कहीं कम्पीट हो पाएगी। बाकी देखो सर, कंपटीशन का तो कोई वो नहीं है, 4000 पर सीट तो शायद अभी तक नहीं। और 4000 पर सीट में भी वर्कमैनशिप देखो सर, मतलब लाइनिंग एंड एवरीथिंग बिल्कुल, मतलब ऐसा नहीं है कि सस्ता हो गया तो सब चीज सस्ती हो गई, खाली मटेरियल ही सस्ता हुआ है। इसमें एल शेप सोफा भी है, टेबल भी है, दो पफी भी है, हमारा मार्जिन भी है, लाइटों का खर्चा भी है, 4000 पर सीट में भी, ठीक है जी। अब ये बाकी में फिर ये देख लीजिए, बैठे दिखाए थे एक बार, काफी सुंदर सर। इसका एक प्राइस बताइए, बहुत सुंदर लग रहा है सर। ये 26,000 का विद बॉक्सेस, विद बॉक्सेस, और आपको जो फ्रंट मिलेगी वो भी कुछ क्वालिटी है इसकी, सेम ऐसी होगी ना जी। ठीक है, तो ये देख लीजिए कितने अलग अलग डिजाइन है सर, सारे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं ज्यादातर। अब जैसे ये 3-in-1 सोफा किसी को अगर इस टाइप की रिक्वायरमेंट हो, ये थोड़ा सा एक इकोनॉमिकल रेंज में है, ये 20,000 की रेंज में है, 3+1 सागवान में। इस मार्केट में इसको लॉबी वाला सोफा, लॉबी वाला सोफा बोल सकते हो। तो ये जितने आप देख सकते कितनी वैरायटीज है यहाँ पे बेड्स की, ठीक है, चेयर्स भी काफी है। एक बार इसका प्राइस बता दीजिए जल्दी से, लोटस चेयर सर। ये 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज पर चेयर। अच्छा, 9,000 पर 18,000 का पेयर, ठीक है, 18,000 का पेयर आ गया जी। बात करते हैं सोफे की, कौन सा सोफा दिखा रहे हैं सर? एक ये डिजाइन है सर, 3-2 वुडन में, इसकी वुडन चौकी है, ये भी सारा वुडन पार्ट है, और ये ऊपर भी लकड़ी लगी हुई है सारी, अंदर फॉर्म है। ये सोफा सर हमारा 6,500 रुपए पर सीट है, 6,500 रुपीज पर सीट, ठीक है जी। अब पीछे रखा ये वही सेक्शनल सोफा हमारा, ये सेक्शनल सोफा है सर। अभी थोड़ा सा हमने गैप देके इसलिए रखा हुआ है इसको, ताकि पता लगे कि इसमें कट है, ठीक है, वरना क्या ये कट है ना इसके ऑलरेडी, इसके अंदर क्या है गैप, ये लाइंस है। हाँ। तो इससे कंफ्यूजन हो जाता है कि कुछ है, ये पूरा सिंगल पीस है लंबा, दिखाने के लिए ये अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट है। और सबसे मेन खास बात, इसका जो आप कॉर्नर देखोगे ना सर, मतलब इसे दो लोग बैठ सकते हैं आराम से, कॉर्नर काफी चौड़ा है, काफी चौड़ा है। अकॉर्डिंग टू माई हेल्थ, अगर मेरी हेल्थ के हिसाब से आप देख रहे हो तो देखो, मेरे जैसे एक बंदा और आ जाएगा यहाँ पर आराम से आ जाएगा। हाँ जी, और बड़ा सॉफ्ट पीयू फॉर्म लगी हुई है इसके अंदर, बड़े स्मॉल सिलेक्टेड लेग्स लगवा रखे हैं, स्वेट फैब्रिक लगा हुआ है, सब चीजें मतलब वही जो बाकी सोफों में स्टैंडर्ड है वही देखिए आपने।
ये पूरे सोफे की बात करें तो ये 5500 सीट बैठता है सर, 5500 पर सीट पर सीट। आप ये सोफा दे रहे हैं जिस पर ये अलग तरह की स्टिचिंग वर्क दे रही है, ये जो डबल स्टिच करा हुआ वही और सर आप मतलब जैसे आप ये चीज मतलब आती सबसे पहले देखते हो वीडियो बनाने से पहले क्वालिटी चेक करते हो, शायद आपकी नजर से ये सोफा चूक गया, ये प्लेन सोफा है फिर भी आप इसकी डेप्थ देखोगे ना, फॉर्मिंग एंड सब चीजें, तो मतलब सर हर चीज में कहने की जरूरत नहीं, बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा एक ही चीज, जब आप लाइव आकर खुद देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा यहाँ भी क्वालिटी है। हाँ, और यहाँ पर भी आपको अलग अलग वैरायटीज के अलग अलग डिजाइन के लेक्स मिल जाएंगे, गोल्ड एंड रोज गोल्ड, हाँ गोल्ड हो रोज गोल्ड हो या एसएस हो जी सिल्वर वाला जो हम जी सर। एक सर ये मॉडल है लाइन्स में आजकल क्या है स्ट्राइप सर थोड़ा सा इन है डिजाइन ना बहुत है ना, एक ये डिजाइन है ये टील ब्लू कलर के फैब्रिक टील ब्लू कलर है जो आजकल थोड़ा सा इन ज्यादा चल रहा है, टील ब्लू हो गया बॉटल ग्रीन हो गया शेडेड फैब्रिक है सर इसके अंदर, इस फैब्रिक में इफेक्ट आ जाते हैं जैसे आप बैठते हो, इसमें नॉन शेडेड फैब्रिक भी लगवा सकते हो। 9x7 का इसका साइज है सर, पीछे वही सॉफ्ट फॉर्मिंग है फाइबर लगी हुई है, नीचे सेटिंग फॉर्म की है इसके अंदर, स्प्रिंग वेल की है इसके अंदर, अच्छा ठीक है सर, और डेढ़ एक और दो डेढ़ का फ्रेम मिक्स है इसके अंदर भी जैसे सब सोफा में जनरली होता है, एसएस की लेग्स लगी हुई है गोल्डन, उसको आप किसी भी कलर में कस्टमाइज करा सकते हो, और ये सोफा भी आपका 5500 पर सीट है, 5500 रुपये मतलब अच्छी क्वालिटी फिनिशिंग वाली, हाँ जी 5500 में आप दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं। एक एवरेज मतलब अच्छा अगर आप सोफा एक मीडियम रेंज का बजाना चाहो ना मीडियम बजट का तो 5 से 6 साढ़े 6 सीट में एक अच्छा सोफा बन सकता है, और थोड़ा सा उसकी और वर्कमैनशिप आपको इंक्रीज करनी है, उसकी क्वालिटी और इंक्रीज करनी है, मतलब मटेरियल भी और सब चीजें बढ़ानी है, तो 8-8.5 हज़ार में तो सर ऐसी चीज बन जाएगी जो मैं आगे बोल नहीं सकता, 15,000 में जी ठीक है जी। अब ये काफी अच्छा, इसकी पहले तो चौड़ाई देखिए सोफे की, क्या चौड़ाई है सर इसकी, सर ये है 38 इंच स्टैंडर्ड 32-33 होती है, हाँ तो उस वाले सोफे चल के आते होते हैं, 3 सीटर दिखाते हैं ना अच्छे से सब। ये किसी का सर कस्टमाइज पीस रखा हुआ है मेरे पास, इसमें क्या है कस्टमर ने लेग्स भी फैब्रिक के कवर करा रखे हैं, अच्छा हाँ। नहीं तो लकड़ वाले होते लकड़ वाले उस पे उन्होंने फैब्रिक लगा रखा है, ये सर इसके अंदर आर्मरेस्ट आते हैं, अच्छा हेड रेस्ट आ गया हमारा, ओ सॉरी हेड रेस्ट आते हैं ठीक है, और इसकी जो सिटिंग है सर सारी स्लीपर लगवा रखी है इन्होंने, अच्छा पूरी स्लीपर लगवा रखी है, और इसकी जो बैक भी देखोगे ना इसका जो टिल्ट है सिटिंग टिल्ट है पूरा राउंड है आपका ना, और हेड रेस्ट पूरे मतलब प्रैक्टिकल है, वरना क्या होता है सर ही नहीं जाता आपको पीछे, हाँ तो मतलब एक फुट रेस्ट है या ऑटोमैन लगा के आराम से बंदा लेट सकता है, इजीली सर रिक्लाइनर है ये, हाँ बहुत अच्छा कंफर्टेबल सोफा है, काफी बल्की सोफा है, काफी कंफर्टेबल सोफा है सर, जिसके पास स्पेस है उन्हीं के लिए, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो ये कितने का दे रहे हैं आप, ये सर अपना 8 हज़ार सीट का सोफा है, अच्छा। बाकी एक फिलहाल जो हमारा डिस्प्ले पीस के दो रखे हुए, एक तो किसी का ऑर्डर का है और एक सेम पीस मेरे पास अवेलेबल है, क्योंकि हम दो बनवाते हैं जनरली दो भी चीज बनवाते हैं, अगर आप एज इट इज इसी कलर में लेते हो तो सेम सोफा 6,500 पर सीट मिल जाएगा आपको, बट ये सिंगल यूनिट है सर, अच्छा सिर्फ एक पीस एक ही यूनिट है जो आपको 6,000 322 जो 6,500 पर सीट मिलेगा, हाँ जी 6,500 और नेट प्राइस है, और मतलब मैं उसको इसको कंपेयर कर सकते हो आप, इसको 15,000 पर सीट से भी कंपेयर कर लो, बहुत हैवी सोफा बना दिख रहा है सर, दिख रहा है अंदर की फ्रेमिंग भी देखोगे ना आप सर इसकी, मतलब कस्टमर आगे खोल के नीचे चेक करा सकता हूँ मैं, मतलब पूरी हेल्दी लकड़ी वगैरह सब बढ़िया लगा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अगर कोई आपको ऑर्डर देता है तो भले ही आपके पास पूरे दिन बैठ जाए, देख लो जी आपका ये सोफा बन रहा है, हाँ जी स्टार्टिंग मतलब फ्रेम से लेकर पैकेजिंग तक, हाँ जी, या अगर आप चाहते हैं कि फोटो मांगते हैं तो मिल जाएगी, नहीं तो हाँ मैं तो कह रहा हूँ मेरे को तो विश्वास है कि आप अच्छी चीज़। सर मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा, आपकी हमारी बेड की वीडियो एक लास्ट बनी, बड़ा अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा आपके व्यूअर्स के साथ, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो लोग आपकी वीडियो देखकर जब आए ना तो उनको एक भरोसा था कि हम वीडियो देख के गलत जगह नहीं जा रहे, तो ऐसे ही हमने उनको प्रॉमिस के हिसाब से उनका काम पूरा करके दिया, जैसे भी आप लास्ट अभी जब ऊपर अपन शूट शुरू करने वाले थे कस्टमर मिले थे वो भी आपकी वीडियो देख के आए हुए थे, तो ये चीज हमें बड़ा अच्छा लगा, वो जब देख कर उनको एक भरोसा था कि गलत जगह नहीं पहुंचे हम, जी मेरे भी कोशिश ये है कि मैं एक अच्छी जगह की ही वीडियो बनाऊं, हाँ मैं आपके पास दोबारा आया क्योंकि आपकी जगह अच्छी है, ठीक है। अमेरिका से सब कुछ दिखा दिया ना जी सर हमने, तो मेरे हिसाब से सब दिखा दिया, आखिरी बार ये 3 का प्राइस बता दीजिए, ये 3 का सर, ये जैसे ये वाला बेड है 32,000 की रेंज में, ये 32 हो गया, ये 28,000 की रेंज में, 28 हो गया, और 26,000 की रेंज, 26,000 जी सर। तो अब सब दिखा दिया है ना जी सर, अब वीडियो एंड करें क्या, तो डिस्प्ले दिखा दिया इसमें सर, एक चीज मतलब मेन अपना जो मेन हमारी चीज है इसमें ट्रांसपोर्टेशन एक्स्ट्रा है, अच्छा जीएसटी 18% एक्स्ट्रा है, और पैकेजिंग का एक नॉमिनल सा अमाउंट एक्स्ट्रा है अगर आप आउट ऑफ दिल्ली लेके जाते हैं तो, क्या होता है नॉमिनल सा, वो सर नॉमिनल 400-500-600 सर, पैकेजिंग का 400-500 जो जेन्युइन सर बाहर चार्ज लगता है जेन्युइन वही है, बहुत बढ़िया, नहीं तो उसमें कोई मार्जिन नहीं है हमारा, ठीक है। तो डिस्प्ले दिखा दिया, आज सोफा दिखा दिया, बेड पहले दिखा दिए थे, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देखिए
अगर नहीं देखना चाहते तो मैं एक हाईलाइट दे दूंगा स्टार्टिंग में, उसका स्क्रीनशॉट लेके सर को व्हाट्सअप करिए, सर आपको उसके प्राइस बता देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी चीज़ और कम प्राइस में मिलेगी, है ना। तो सर लास्ट में एक बार कुछ कहना चाहेंगे बस आखिरी में? सर बस यही कहना चाहेंगे, बस आप एक बार विजिट जरूर कीजिए, लेना ना लेना एक अलग चीज़ है, बट विजिट करेंगे तो हमारी मेहनत भी अच्छी हमें लगेगा कि उसकी वर्थ निकली कुछ। तो मैं तो बोलता हूँ कि भैया एक बार पक्का आइए, ज़रूर आइए यहाँ पर, क्योंकि मैंने जब मैं इनके फर्स्ट टाइम आया था बैठ देखे तो मेरा दिल खुश हो गया था। और अभी इसमें तो दो तीन आपके ऊपर सैंपल वाले जो डिस्प्ले पीस थे सोफे के नहीं रखे, हाँ जी, वो होते तो और मजा आता सर। सर सब चीज एक साथ नहीं दिखाएंगे ना, जैकपॉट भी होते हैं कुछ। ठीक है, तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा अपना डिस्प्ले दिखाने के लिए, तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।